अगला सवाल अमन रावत का है। वो पूछते हैं कि सर मैंने BCA किया हुआ है, मैं कंफ्यूज हूं कि फुल स्टैक डेवलपमेंट किसमें करूं, ASP.NET, PHP या Python, प्लीज सजेस्ट। मेरे से अगर पूछोगे तो मेरा जवाब तो हमेशा जो है वो ASP.NET ही रहेगा कि आप ASP.NET में ही फुल स्टैक डेवलपमेंट जो है वो सीखो। PHP या Python में फुल स्टैक डेवलपमेंट PHP में फिर भी होता है, Python में फुल स्टैक डेवलपमेंट नहीं होता है। PHP में फुल स्टैक डेवलपमेंट होता है, फुल स्टैक फ्रेमवर्क्स हैं PHP के। जैसे अगर आप WordPress की बात करो, WordPress इज ए PHP बेस्ड फुल स्टैक CMS, ठीक है। और उसमें अगर आप WordPress सीखते हो, WordPress डेवलपमेंट सीखते हो, PHP के कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से आते हैं, WordPress का कस्टमाइजेशन आ जाता है, तो वो आप कर सकते हो। सो फुल स्टैक डेवलपमेंट जो है वो PHP में होता है। Python में आई डोंट थिंक फुल स्टैक डेवलपमेंट होता है। अगर कोई करता होगा तो कोई करता होगा बिरला, इंडिया में तो कोई नहीं करता। दैट एज फार एज आई नो इंडिया में फुल स्टैक डेवलप Python जो है दैट इज ओनली यूज फॉर दिस थिंग, आपका जो क्या कहते हैं इसके लिए यूज होता है, आपका मशीन लर्निंग और डेटा साइंसेस, इन सब में पाइथन यूज होता है। फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए पाइथन जो है दैट इज नॉट यूज्ड। फुल स्टैक डेवलपमेंट में 99% केसेस में आपका जो इंडिया में 80% केसेस जो है 70-80% केसेस में जो है आपका जावास्क्रिप्ट में फुल स्टैक डेवलपमेंट होती है, जहां पर कि आपका फ्रंट एंड भी जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क होता है, कोई बैक एंड में ज्यादातर नोड या डेनो वगैरह यूज करते हैं। और अगर हम इसकी बात करें अपना इसके अलावा जावास्क्रिप्ट के अलावा अगर मैं फुल स्टैक फ्रेमवर्क्स की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द फुल स्टैक फ्रेमवर्क्स जो है वो जावास्क्रिप्ट का .NET के साथ मिक्सचर है। इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, बिकॉज आपने मेरे से हिंदी में सवाल पूछा है और आप इंडिया रिलेटेड आप जॉब इंडिया में जॉब ढूंढना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से तो मेरा जवाब हमेशा यह रहेगा कि आप ASP.NET में ही फुल स्टैक सीखें। और ASP.NET में भी आप ASP.NET जो आपका MVC स्टैक में है, अगर आप तुरंत जॉब चाहते हैं तो ASP.NET के MVC स्टैक में फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखें। इनफैक्ट फुल स्टैक की बजाय मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहले आप बैकएंड डेवलपमेंट सीखें, पहले आप C# सीखें, डेटा से सीखें, और उसके बाद आपका बैकएंड API वगैरह लिखना जो है वो सारी चीजें सीखें। फुल स्टैक बाद में आप जब आपको जॉब मिल जाए तो उसके बाद आप ग्रो करने के लिए आप देख करके कि आपकी कंपनी में किस तरह का काम होता है और जॉब ओपनिंग्स किस तरह की आ रही हैं, उस बेसिस पर आप फुल स्टैक का फ्रंट एंड का कोई भी फ्रेमवर्क सीख सकते हैं। चाहे आप ब्लेजर सीख लीजिए, चाहे आप जावास्क्रिप्ट सीख लीजिए, जावास्क्रिप्ट बेस्ड कोई फ्रेमवर्क है, व्यू हो गया, एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया, इनमें से कोई भी आप सीख सकते हैं। सो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि अगर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट करनी है तो ASP.NET का ही जो है पाथ चूज कीजिए, और पहले आप फुल स्टैक की बजाय पहले आप बैकएंड डेवलपर के तौर पे स्टार्ट कीजिए, पहले C# सीखिए, ASP.NET कोर सीखिए और .NET सीखिए, और फिर उसके बाद आप जॉब आपको जो है इजीली मिल जाएगी, बैकएंड डेवलपर की जॉब आपको इजीली मिल जाएगी अगर आप .NET ASP.NET कोर वगैरह सीख लेते हैं तो। तो पहले आप बैकएंड डेवलपर के तौर पे ज्वाइन कीजिए, फिर आप फुल स्टैक डेवलपर आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जो आपने ऑप्शंस दिए हैं उसमें आपको मैं यही बोलूंगा कि आप ASP.NET ही चूज करें। अगर आपको आप फ्रीलांस करने का मन है, आपने अपनी डिग्री बताई है इस वजह से मुझे लगा कि आप जॉब के लिए फुल स्टैक सीखने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका फ्रीलांस करने का मन है और अगर आप फ्रीलांस करना चाहते हैं तो फ्रीलांस के लिए सबसे मतलब जो ऑप्शन जो पॉपुलर ऑप्शन है दैट इज PHP। PHP में आपको बहुत सारा काम मिलेगा, लेकिन PHP में भी आपका जो काम है मोस्ट ऑफ द काम जो है वो WordPress बेस्ड ही काम मिलेगा, या लारावेल इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं उस तरह का काम मिलेगा, और वो भी फुल स्टैक का काम नहीं होगा, वो बैकएंड का काम होगा। सो आपने BCA किया हुआ है, अभी मुझे लग रहा है आपके बातों से ऐसा लग रहा है कि आप काइंड ऑफ फ्रेशर ही हैं, तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि आप .NET बेस्ड ही फुल स्टैक सीखिए, क्योंकि .NET बेस्ड अगर आप फुल स्टैक सीखते हैं तो आपको जो जॉब्स हैं छोटी कंपनी से लेकर के एंटरप्राइजेस तक जॉब मिलेंगे आपको। लेकिन फ्रीलांस में जो है आप फ्रीलांस वाले जो है PHP में भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा PHP में बहुत ज्यादा कंपटीशन भी है और .NET में फ्रीलांस में भी कंपटीशन कम होगा। सो अगर आप .NET सीखते हैं तो दैट वुड बी मच मोर बेनिफिशियल कंपेयर टू ये तीनों में। पाइथन में तो फुल स्टैक डेवलपमेंट होती ही नहीं है जैसा मैंने कहा। उम्मीद करता हूं आपको मेरे ये जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आए हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसको सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।